हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल मैरीशा। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। और ये होली के एक दिन पहले की वीडियो है, रात में और सुबह होली होगी। तो यहाँ पे मैं कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगा रही हूँ और दही भल्ले के लिए उड़द दाल और मूंग दाल थोड़ा सा भिगाई हूँ, हाफ हाफ। तो ये यहाँ पे नेक्स्ट मॉर्निंग हो गई है, होली के एक दिन पहले की वीडियो जिसमें मैंने गुजिया वगैरह बनाई थी वो वीडियो मैं डाल चुकी हूँ। तो उसी वीडियो में मैंने आलू भी बॉयल कर लिया था, मतलब एक दिन पहले, उसी वीडियो में नहीं, एक दिन पहले मैंने आलू वगैरह बॉयल कर लिया था ताकि आज मैं मुझे बनाने में ईजी रहे। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है, मतलब होली का दिन है आज। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ मसाले समोसे के लिए। और यहाँ पे एक दिन पहले जो मैं सोक करके रखी थी तो यहाँ पे मेरा फुल भी गया है। मैं अच्छे से पानी से क्लीन करके इसको भी पीस लेती हूँ। तो मैंने इसमें लहसुन मिर्ची डाला है और थोड़ा सा जीरा डाल के अच्छे से पीस ली हूँ। और यहाँ पे कुछ ड्राई फ्रूट्स भिगा के रखे थे जैसे पिस्ता, बादाम, काजू और ग्रीन जो इलायची होती है वो एक रात पहले सोक करके रखी थी, तो ये भी फूल गया। तो इसमें मैं थोड़ा सा डाल रही हूँ सौंफ और थोड़ा सा डालूंगी इसमें गुलकंद। ठंडे ही बनाने के लिए मैं पीस रही हूँ और इसको पीस देंगे तो 2-3-4-10 दिन भी इसको चलेगा, फ्रिज में कर देंगे। और यहाँ पे जो मिक्सर में लगा हुआ था उसको मैं क्लीन कर ली हूँ, पानी डाल के निकाल ली हूँ। और ये दोनों रेडी हो गया है। अब समोसे के लिए यहाँ पे चटनी बनाने जा रही हूँ। तो मैंने इसमें लहसुन, मिर्ची, अदरक और टमाटर, थोड़ी धनिया की पत्ती और थोड़ा सा जीरा और नमक डाल के अच्छे से पीस ली हूँ। तो यहाँ मेरी चटनी भी रेडी हो गई है। और ये सब रेडी करने के बाद मैंने शावर लिया, थोड़ा रेडी हुई क्योंकि त्यौहार है। वैसे ऑफिस वगैरह चल रहा है तो कुछ भी पता नहीं चलता है यहाँ पे, और बहुत मेरा ग्रुप सर्कल वगैरह नहीं है तो ऐसा होली वगैरह कुछ भी पता नहीं चलता है। और वैसे भी हाँ, ऑफिस डे में कुछ भी नहीं पता चलता है। तो थोड़ा सा रेडी वगैरह हो जाओ, खाना वगैरह अच्छा बनाओ तो थोड़ा फील होता है कि हाँ आज होली है। तो खाने में क्या बनाऊँ, ऐसे कुछ ज़्यादा खाने में बना नहीं रही हूँ। वैसे समोसा बना रही हूँ, दही भल्ले बना रही हूँ, तो दोपहर के लंच में यही हो जाएगा। लगेगा तो डिनर में फिर कुछ बनाऊँगी, नहीं तो फिर सादा दाल चावल बना लूँगी क्योंकि ऐसे ये खाना ही है। क्योंकि दो जन ही है, कुछ भी बनाओ तो थोड़ा ज़्यादा ही हो जाता है। तो यहाँ पर मैं साड़ी आज पहनी थी तो हाथ में कड़े डाल दी थी, बट काम करते नहीं बन रहा था तो मैं एक एक पतला पतला डाली और सब निकाल दी हूँ। और यहाँ पे मैं समोसे देखिए दो बना ली हूँ और अभी मैं दिखाती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। आटा वगैरह गूँथ के रख के गई थी मैं, और आटे में मोयम डाल के नमक थोड़ा सा डाला था, थोड़ा खाने वाला सोडा और अजवाइन मंगरैल अगर आपको पसंद हो तो डालिए, अगर नहीं है तो उसको छोड़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ऐसे लंबा सा एक बेल लेंगे और उसके बाद मैं इसमें पानी लगाऊंगी इसके किनारे पे। और अगर आपसे फोल्ड करते ना बने तो बीच में आप बीचों बीच कट कर सकते हैं। अभी मैं दिखाती हूँ कि कैसे कट करती हूँ, और मेरे से बन जाता है लेकिन मैं सिर्फ इसलिए दिखा रही हूँ कि अगर किसी से नहीं बन रहा है तो ऐसे फोल्ड करना ईजी रहेगा, एक पे एक मतलब आ जाता है तो फोल्ड करना ईजी रहेगा। वरना मैं स्टार्टिंग में जब बनाना शुरू की थी तब मेरे से नहीं बनती थी तो मैं ऐसे ही कट करती थी। तो मुझे लगा मैं ऐसे बता दूँ तो ताकि जिससे ना बने तो उसको ईजी हो, लेकिन अब मेरी आदत हो गई तो मैं बना ली हूँ। और ये मुझे भी नहीं आता था, मेरी मम्मी ने मुझे सिखाया था और उनके समोसे बहुत अच्छे बनते हैं, बहुत अच्छा बनाती है मेरी मम्मी। तो फिर यहाँ पे अभी मैं समोसे देखिए प्लेट में जो रखे हुए हैं वो एकदम खड़े खड़े हैं, और इसके लिए मैं अभी दिखाती हूँ कि किस कैसे खड़े रहते हैं। और यहाँ पे मैंने सारा आलू वगैरह जो भी मसाले थे मैं भर ली हूँ, और किनारे से एक बार फिर से पानी लगाइए और ऐसे जो बीचों बीच इसके प्लेट एक दे दीजिए, थोड़ा सा ऐसे फोल्ड करके ऐसे प्लेट टाइप दे देंगे। तो और फिर उसके बाद थोड़ा सा आगे करके ऐसे इसको अच्छे से सील कर देंगे, अच्छे से दबा देंगे तो आलू बाहर नहीं निकलेगा। और देखिए ऐसे एकदम खड़े खड़े समोसे फिर बन जाएंगे। और देखिए इसमें मैंने कट नहीं लगाया क्योंकि मेरी आदत हो गई है, तो फिर मैं बना लेती हूँ। तो एक बार मैं फिर से दिखा देती हूँ, देखिए ऐसे ही प्लेट देंगे और फिर दोनों को ज्वाइंट कर देंगे और अच्छे से दबा देंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरे सारे समोसे बन के रेडी हो गए हैं। अब मुझे तलना है क्योंकि समोसे बना के मैं रख ली हूँ। और यहाँ पे मैंने हींग और पानी एक बर्तन में रख लिया है क्योंकि समोसे मैं बना के पूरा रख ली हूँ, चाहती तो मैं बनाते बनाते भी छान सकती थी, लेकिन कढ़ाई चढ़ाऊँगी तो फिर दही भल्ले के लिए वो भी निकाल लूँगी और समोसे भी निकाल लूँगी। तो यहाँ पे मैं 10 समोसे बना रही हूँ, इतना काफ़ी रहेगा हम लोग के लिए। और तो यहाँ पे मैंने 5 डाल दिए हैं कढ़ाई में, और एक बार में 5 और डाल दूंगी। और यहाँ पे जो मैं भल्ले बनाऊंगी उसके लिए जो मूंग दाल और उड़द दाल मैं पीस के रखी थी उसमें मैंने थोड़ा सा
हींग डालूंगी और थोड़ा सा नमक डालने के बाद अच्छी तरह से इसको फेटूंगी। हाथ से फेटती तो बहुत टाइम लगता और ऐसे अच्छे से फिटता भी ना उतना ज़्यादा। तो अच्छे से देखिए ऐसे फिटेंगे ना, तो जो मूंग दाल होता है वो पीसने में थोड़ा पतला होता है, उड़द दाल तो गाढ़ा हो जाता है लेकिन मूंग दाल कितना भी आप करेंगे तो पतला हो जाता है बैटर। और ऐसे फेटने से वो फिर एकदम अपने मतलब छानने लायक हो जाएगा, और इसीलिए ज़्यादा फेटो। और मेरे दही भल्ले भी बहुत अच्छे बने थे, अभी मैं आगे वीडियो में आप लोग देखिएगा। और यहाँ पर मेरा एक बार का समोसा हो गया और सेकेंड बार मैं डाल दे रही हूँ, फिर इसके बाद मैं दही भल्ले बनाऊँगी। और जब तक मेरा समोसा बन रहा तब तक मैं इसको अच्छे से फेट ले रही हूँ बीच बीच में। और यहाँ पे मेरे देखिए समोसे सारे बन गए हैं, अब दही भल्ले मैं बनाने जा रही हूँ। तो थोड़ा सा हाथ में पानी लगाएंगे ना तो ये हाथ में चिपकेगा नहीं, नहीं तो ऐसे हाथ में चिपकेगा। और जैसे भी आपसे बने लेकिन मैं मुझसे पानी लगा के अच्छे से बनता है। यहाँ पे समोसे मैं इनको दे देती हूँ क्योंकि खाने का टाइम हो गया है और दही भल्ले तो बाद में खाएंगे, तो अभी ये इनको देती हूँ, फिर उसके बाद मैं भी खाऊंगी दही भल्ले निकालने के बाद में। तो यहाँ पे देखिए मेरे दही भल्ले अच्छे से हो गए हैं और एक बार मुझे अभी और डालना है। और यहाँ मैं भल्ले को सीधे पानी में डालने की कोशिश कर रही थी तो पानी उछल रहा है, तो मुझे लगा पलटे वगैरह में लग जाएगा तो बहुत मतलब तड़केगा। तो मैं एक साइड प्लेट में निकाल के रख ले रही हूँ, एक साथ ही डाल दूँगी सारा, और दूसरा जो मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है उसको मैं डाल देती हूँ और उसके बाद मैं पानी में डाल दूँगी। और तो यहाँ पे एक घंटे मैंने छोड़ दिया था पानी में इसको, और अब मैं दो पानी में से निकाल के टेस्ट करने के लिए कर रही हूँ। अभी बहुत समोसे खाए तो बहुत ज़्यादा भूख नहीं है। और यहाँ पे देखिए मैंने इमली की चटनी डाली है और ग्रीन चटनी जो समोसे के लिए बनाई थी वो डाली हूँ। और जब मैं गुजिया बना रही थी तो दो पापड़ी ऐसे निकाली थी तो वो इसमें क्रश कर दी हूँ ऐसे ही, इसका भी टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। और देखिए एकदम अंदर से कैसे जाले बन गए हैं, इसलिए बहुत ही सॉफ्ट बनाया है। अंदर ऐसे ही जाले पड़ जाए तो देख के ही समझता है कि बहुत ज़्यादा दही भल्ले सॉफ्ट बने हैं। और यहाँ पर मैं एक समोसे का चाट बना रही हूँ, तो फिर यहाँ पर वही सेम ग्रीन चटनी और इमली की चटनी डाल के मैं बनाई थी समोसे। और उसके कुछ देर बाद यहाँ पे जो मैं ठंडई बनाने के लिए रखी थी तो इसमें दो स्पून मैं ठंडई डालूंगी, ये जो मैंने पीस के रखा था ड्राई फ्रूट्स, तो इसमें दो स्पून डालूंगी और एक ही ग्लास बना रही हूँ, हाफ हाफ दोनों जन पी लेंगे। और इसको मैं रख दूँगी फ्रिज में तो ये 8-10 दिन चल जाएगा, ख़राब नहीं होगा। तो थोड़ा सा मिल्क डाल के मैं उसको फेट ले रही हूँ और थोड़ा सा मिल्क को मैं ऐसे ही मिक्सर में चलाऊंगी ताकि वो थोड़ा सा झाग बन जाए, थोड़ा गाढ़ा हो जाए। और दूध को मिक्सर में फेंकते टाइम मैंने उसमें शक्कर थोड़ा सा डाल दिया है और ऊपर से आप पिस्ता बादाम से थोड़ा सा गार्निश कर दीजिए। और मैंने बर्फ़ नहीं डाला इसमें क्योंकि अभी थोड़ा सा यहाँ विंटर है जहाँ ज़्यादा बर्फ़ और दूध एकदम ठंडा था तो बर्फ़ डालने की इतनी ज़रूरत नहीं थी। और ये मैं यहाँ पर आइसक्रीम दिखा रही हूँ जो मैं बनाई थी होली के एक दिन पहले, तो वो वीडियो मैं अपलोड कर चुकी हूँ और उसमें मैंने पान वाला सिर्फ रेसिपी शेयर किया था। और उसके बाद मैं दो तरीके का और बनाई थी, आगे आने वाले वीडियो में आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो ये है रात की क्लिप, हम लोग रात में आइसक्रीम ले रहे हैं और पूरे दिन मैं और कुछ खाना वगैरह नहीं बनाई क्योंकि वही चल रहा था और वो सबसे पेट बहुत ज़्यादा भर गया था। तो यहाँ पे रात में मैं आइसक्रीम निकाल रही हूँ तो मुझे लगा आप लोग के साथ भी वीडियो में शेयर कर देती हूँ। उस वीडियो में मैं नहीं शेयर की थी क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही थी, तो मुझे लगा इस वीडियो में चलो आप लोग के साथ शेयर कर देती हूँ। और आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और आइसक्रीम कैसी लगी, पूरी वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मिलती हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।